तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर सेकंड का, फिजिक्स का, एक क्लास 11th का। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कि भाई जो है हमारे पास अगर मेजरमेंट है, ठीक है, किसी भी लेंथ की, तो अगर वो जो मेजर कर रहे हैं हम किसी भी चीज को, वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमसे बहुत 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 ज्यादा दूर है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए एक मेथड होता है, पैरालैक्स मेथड। क्या होता है बेटा? पैरालैक्स मेथड, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पैरालैक्स मेथड असल में होता क्या है। अगर लेट सपोज मैं पृथ्वी पर खड़ा हुआ हूं और मेरे पास कोई भी एक प्लैनेट है जिसको लेट सपोज मैंने एस कह दिया है, और मेरे पास एक डिस्टेंस ये है ए नाम से, और दूसरी डिस्टेंस जो है मेरे पास बी नाम से है, ठीक है, सेम प्लेनेट की। लेकिन मुझे ये एक कोई स्टार मान लो या प्लेनेट मान लो या कुछ भी मान लो, तो उसकी मुझे ये एस यहां पर दे रखी है। तो मैं ये क्या क्या करूंगा, इसकी ये डिस्टेंस लेट सपोज कर लूंगा कैपिटल डी, ठीक है, और ये जो दो पॉइंट है ए और बी, इनकी जो डिस्टेंस है वो मैं सपोज कर लूंगा बेटा क्या, छोटा बी, स्मॉल बी। क्लियर हो गई अगली बात, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो एंगल है लेट सपोज थीटा हो गया। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है किसी एक प्लैनेट प्लैनेट की और दूसरे प्लैनेट की निकालने के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज कैपिटल डी, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाता है हमारे पास क्या, बी अपॉन में थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लार्ज डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, और इसी को ही हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड, ठीक है। और ये पैरालैटिक एंगल भी कहा जाता है थीटा को। क्लियर हो गई यार, बहुत अच्छे समझ में आ गई। अच्छा, सिमिलरली एक चीज और है, मान लो लेट सपोज मेरे पास कोई भी एक प्लेनेट है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा है, अगर मुझे उसकी डिस्टेंस पता चल गई, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू पता चल गई मुझे, क्लियर हो गई, तो मैं क्या करूंगा कि एंगुलर साइज, एंगुलर मतलब सर्कुलर साइज जो होगा, मैं किसी भी प्लेनेट का फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है। क्लियर हो गई यार बात। तो क्या हो जाएगा ये, अगर मान लो लाइक सपोज मेरे पास कोई भी एक प्लेनेट है जिसका डायमीटर मान लो छोटा डी है, स्मॉल डी है, ठीक है। क्लियर हो गई यार बात। तो मैं जो मेरे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा इक्वल्स टू डी अपॉन में कैपिटल डी, ठीक है। तो यहां पर जो डी है वो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ पर्टिकुलर प्लेनेट, और जो बड़ा डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी, और जो अल्फा हो जाता है वो क्या हो जाता है, एंगुलर एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। तो एंगुलर साइज ऑफ प्लेनेट मैं अल्फा से निकाल सकता हूं। तो ये पैरालैक्स मेथड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम बेटा करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू द रेडियन, कि भाई कन्वर्जन कर रहे हैं हम डिग्री, डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। तो देखो बेटा होता क्या है कि अभी हमने थीटा पढ़ा था, तो जो थीटा होता है, थीटा जो मेजर किया जाता है हमेशा किस में किया जाता है, रेडियन में, और इसको हम सिर्फ आर ए डी ही लिखते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो जैसा 1 डिग्री है, ठीक है, आप मैथ में जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे वो आप पढ़ सकते हैं, सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में है, नहीं थर्ड चैप्टर में है, कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हो। तो मैथ वाले बच्चों को यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री जो होता है वो होता है पाई अपॉन में 180। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन में 180 रेडियन। और जो बाएं वाले बच्चे होंगे वो आप याद कर सकते हो उस चीज को। क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब देखो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 होती है, तो कितने, अब इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन में 180। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो रेडियन में जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा कितनी, 1.745 इंटू 10 to the power - का 2 रेडियन। और यही बात आपको क्या करनी है, याद करनी है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, इतने होते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात और, जो 1 डिग्री है आप इसको लेट सपोज कि मतलब आवर के हिसाब से समझ सकते हो, मतलब कि 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट, और मिनट को हम डिनोट करते हैं 1 डैश से। ये वाली बात क्लियर हो रही है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, क्लियर हो गई। और 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, 1.745 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 रेडियन। दिस इज क्लियर और नॉट,
ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों, क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो 1.745 × 10⁻²² रेडियन अपॉन में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाएगा बेटा कितना, 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन, 2.9 वन में जो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, इतने रेडियन होते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा तो एक बार बताइए बेटा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड भी तो होते हैं, और सेकंड को हम डिनोट करेंगे किससे, डबल डैश, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया था हमारे पास, मिनट हो गया था। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन ना ले, सब चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना आया था बेटा, 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। ये वाली बात क्लियर हो गई थी। लेकिन भाई अगर आप कहो कि सर 1 मिनट का तो आपने बता दिया, लेकिन 1 सेकंड कितना होगा, तो 1 सेकंड के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आई है ना, डिवाइडेड बाय कितना, 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन अपॉन में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 1 सेकंड बराबर में कितना आ जाता है बेटा हमारे पास, 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई। तो जो हमें याद रखने वाली जो चीज है बेटा वो क्या है कि 1 डिग्री वाली चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, हैशटैग लगा देता हूं। और 1 मिनट में हमें याद करने वाली चीज याद रखनी है कि 1 मिनट में कितनी वैल्यू होती है और 1 सेकंड में कितनी होती है। ये आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो ये अब मैं इसके कुछ 1-2 न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ, जब तक आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि थीटा बराबर में 1 डिग्री और 54 मिनट दे रखा है, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर साइड में आपको लिख रखा है कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं और 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं और 1 सेकंड में इतने रेडियन होते हैं। तो जो मेन पार्ट है आपको याद करने का वो ये चीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकलवाया था, ठीक है, पाई अपॉन 180 करके निकाल सकते हो। क्लियर हो गई अगली बात, ठीक है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री में जरा ध्यानपूर्वक समझना, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60, और 54 तो हमारे पास पहले से ही दे रखे हैं, ठीक है। तो प्लस करेंगे क्योंकि सेम सेम क्वांटिटी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, प्लस करके 114 मिनट आ गया। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई, यस और नो, ठीक है। अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ज्यादा से अगर हम कम की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। चलो इधर देख लो बेटा, तो 114 × 60 क्यों किया है, क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया बेटा, सेकंड बना दिया। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन हमें रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, तो 1 सेकंड में कितना होता है बेटा, 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। ये वाली बात क्लियर हो गई। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 3.32 × 10⁻²² रेडियन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया बेटा। तो ये देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ, न्यूमेरिकल कैसे किया है हमने, कि हमारे पास 1 डिग्री 54 मिनट दे रखे थे। तो 1 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा किसमें, पहले तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 54 मिनट पहले से ही दे रखे थे। तो दोनों को एडिशन कर लिया, ऐड करने के बाद कितना आ गया, 114 मिनट आ गया। तो 114 मिनट को अब मैं क्या करूंगा कि सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेकंड में हो गई पूरी डिजिट, ठीक है, और इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेकंड को डिग्री में वो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूं, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो ये मिनट तो दे ही रखे थे, सॉरी ये सेकंड तो दे ही रखे थे मुझे, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.85 × 10⁻⁶ से। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो थीटा मेरे पास किस में आ गया बेटा, रेडियन में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गई अच्छे से। चलो और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब जो है हमारे पास सेकंड एग्जांपल दे रखा है कि थीटा हमारे पास 1920 सेकंड दे रखा है, तो आप सोचें क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये तो सेकंड में तो पहले दे रखा है, ना डिग्री में है ना मिनट में है, तो मैं सेकंड में दे रखा है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको
थीटा बराबर में 1920 इंटू में 4.85 इंटू 10 टू डी पावर माइनस का 6 कर दूंगा और क्या आ जाएगा मेरे पास ये रेडियन में, तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है हमारे पास 9.31 इंटू 10 टू डी पावर माइनस 3 और किस में आ जाएगा ये बेटा रेडियन में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई तो बेटा आपको करनी ही पड़ेगी, क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या नाम है ये चीज जो लॉजिक है वो लॉजिक आप ये समझे कि 1920 सेकंड था, ठीक है, तो सेकंड वाली कैटेगरी ये आ गई हमारे पास, तो सेकंड को जब हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं 4.85 * 10 टू द पावर माइनस 6 रेडियन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पर कर दी है, तो हमारे पास जो थीटा आ गया वो किस में आ गया बेटा रेडियन में। ये वाली बात क्लियर हो गई, तो जब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे के जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जो आगे का टॉपिक होगा। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।